की ओर चली। शांत हो जाइए, थोड़ा सा ही सुनिए, शांति से सुन लीजिए। हम लोग जब भी शिव चर्चा में आते हैं तो हरिंद्रानंद जी का ये उद्देश्य मत भूलिएगा कि हम लोगों को निर्गुण निराकार शिव के बारे में जानने का उन्हें उनका उद्देश्य रहे है। हरिंद्रानंद जी का निर्गुण निराकार रूप में शिव को जानने का उद्देश्य रहे हैं। तो हम लोग तो यू ही नहीं जानते हैं, फिर भी उस निर्गुण निराकार के बारे में नहीं जानने के बावजूद भी उन्हें मानते हैं और उन्हीं के स्वरूप को हम लोग सम्मानित करते हैं चर्चा में सम्मिलित होकर के। अब निर्गुण इस निराकार रूप के बारे में, रूप जहां से शब्द आते हैं तो रूप तो किसी आकृति का होते हैं, लेकिन हम निर्गुण निराकार स्वरूप कहिए कि निर्गुण निराकार स्वरूप के बारे में हम लोग यदि सिमटना चाहेंगे तो सिमटना बहुत भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि हम तो स्थूल स्वरूप है और निर्गुण निराकार वह आकार से विहीन कहिए कि वह आकृति नहीं है कोई। बहुत से चरित्रार्थ आते हैं जिस तरह की राम कथा में आएंगे, कृष्ण कथा में आएंगे कि राम जी का पिता और माता जी कई वर्षों से अगले जन्म में तपस्या किए, उसके बाद भगवान विष्णु को प्रसन्न करके अपने पास पाए। पास पाकर के जब वह भगवान कहते हैं कि मांगो क्या मांगते हो, तो राम के पिताजी ये कहते हैं कि हे भगवान विष्णु जी, आप ऐसा कर दीजिए कि किन्हीं जन्मों में आप हमें पुत्र बनकर के आइए, हमारा पुत्र बनकर आइए, हमें पिता बनने का अपना आप अपना पिता बनने का हमें सौभाग्य प्रदान कीजिए, यही हमारा इच्छा है। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, तथास्तु कह करके चले जाते, ऐसा ही होगा। देखिए कृष्ण भगवान का बारे में यदि जानिएगा तो कृष्ण के पिताजी भी कहते हैं कि अगला जन्म में यही कर्म किए हैं कि भगवान विष्णु जी को प्रसन्न किए, और भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के बाद वर में यही मांगते हैं कि आप हमारा पुत्र बनिए, वर में देते हैं कि अच्छा ऐसा ही होगा कि अगले जन्म में हम आपका पुत्र बनेंगे। तो ये है कि कोई है ना, कोई भक्त भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाकर के, सगुण रूप ईश्वर को पा करके अपने गोदी में खिलाते हैं, कोई सगुण रूप भगवान को पा करके मित्र के रूप में सीने से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं, और कोई पति के रूप में पाते हैं, कोई मित्र के रूप में, कोई भक्त के रूप में, भगवान के रूप में, अनेक अनेक रूपों में पा करके ईश्वर को अपने ही भक्ति के वजह से स्वयं को समझिए वह क्या करते हैं, अपने आगोश में लेते हैं, कहिए है ना, कि कोई गोदी में लेते हैं, कोई सीने से लगा लेते हैं, कोई गले से लगा लेते हैं, कोई उसके चरणों से लग जाते हैं, है ना। तो ये देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस निर्गुण निराकार उस शिव को जो हम लोग भजने के लिए निकले हैं हरिंद्रानंद जी के द्वारा कहने पर, उसे हम लोग समझ पाते हैं कि उसे किस प्रकार अपने आगोश में लेंगे, किस प्रकार उन्हें हम अपने अंतरिक्ष ये कर पाएंगे, क्या हम उसे गोदी में ले पाएंगे, क्या उसे हम गले लगा सकेंगे, क्या वह हमें सीने से लगा लेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि वह तो आकार विहीन है, शिव आकार विहीन है कि अशून्य है, उस शून्य में से हम उसे उस शून्यता की आगोश में लेना बड़ा कठिन है। एक उदाहरण के साथ लेते हैं हम लोग,
यदि कहेंगे कि एक जगह है ना, कहीं पर ढेर सारा अनाज रखे हुए हैं, और कहेंगे कि उस अनाज को हमारे पास ला दीजिए हमको, तो कोई व्यक्ति क्या करेंगे, एक बोरा लेंगे, बोरी, और उसमें उस अनाज को भर करके हमारे पास ला देंगे, ला करके हमें देंगे। अनाज स्थूल थे, स्थूल बोरी में समा गए, है ना। अब किसी व्यक्ति को कहेंगे हम कि हमें नदी से है ना पानी ला दीजिए, बोलिए कोई व्यक्ति बोरा लेकर पानी लेकर पानी लाने जाएंगे, बोरा लेकर नहीं जाएंगे, बोरा लेकर है ना, बोरी में पानी नहीं अटकेंगे, बोरी में पानी नहीं आएंगे। वह युक्ति से अपना ना जो जानते हैं उस युक्ति के हिसाब से कमंडल ले जाएंगे, बाल्टी ले जाएंगे, इत्यादि कोई बर्तन ले जाएंगे ना, फिर वह पानी ला करके देंगे। सोचिए एक अनाज स्थूल है, अनाज से ज्यादा सूक्ष्म है जल, है ना, पानी, और पानी को लाने का समाधान अलग है, है ना। ठीक इसी तरह कहेंगे कि आप हमारे लिए है ना जल नहीं, अब जल के सिवा दूसरा कोई हमको है ना गैस भर के ला दीजिए हमारा घर में, हमको गैस ला दीजिए जिससे कि हम खाना पकाएंगे। तो कोई व्यक्ति क्या करेंगे, गैस लाने के लिए गैस सिलेंडर ले जाते हैं ना, उसको गैस सिलेंडर में भर करके गैस लाते हैं। ठीक है, अब देखिए सब चीज का बर्तन अलग है, साधन अलग है। अब कोई कहेंगे गैस नहीं, हमको क्या चाहिए, हाँ हमको है ना आग चाहिए, मुट्ठी में, मुट्ठी में आप आग हमको ला दीजिए, आग चाहिए। अब कहेंगे आग हम मुट्ठी में नहीं ला सकते, तरकीब बना अपनाए तो आ सकते हैं, है ना, हम माचिस को मुट्ठी में तो ला सकते हैं, माचिस के अंदर तो आग है, तरकीब से आग मुट्ठी में आ गए, है ना। इसी तरह ज्ञानी लोग भक्त जन जो लिख कर गए कि निर्गुण निराकार को है ना किसी, वह स्थूल नहीं है तो स्थूल देह से उसे पकड़ भी नहीं सकते हैं, कोई अपने आगोश में भी किसी के आगोश में नहीं आने वाला। वह कैसा युक्ति, तो कहते हैं कि वह चैतन्य स्वरूप परमात्मा निराकार को निर्विकार होकर के, निर्विकार होकर के चैतन्य आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में इसे जानते हैं कि उस शिव को, चैतन्य स्वरूप शिव को, चैतन्य स्वरूप जीव ही उसे ग्रहण कर सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या है, शरीर में हमारी क्या कहलाते हैं कि शरीर हमारा चोला है, कपड़ा की तरह, कपड़ों की भांति है ना, पहने हुए हैं, जैसे कि हमारा शरीर कपड़ा पहने हुए है, तो उसी तरह हमारी आत्मा क्या है, इस शरीर को पहने हुए है। और यदि इस शरीर से ही विलग होकर कहिए कि परमात्मा चैतन्य स्वरूप शिव को या उसमें हम मिल जाए या वह हम में आ जाए, ऐसा संभव है। लेकिन हम लोग में क्या है कि नहीं जानने के बाद भी उस चैतन्य स्वरूप को प्रेम भाव बनाने के लिए ही हमको क्या है गुरु बनाए हैं, और वह ताकि अपना अपने स्वरूप का ज्ञान दे करके वह भी हमें भी अपनों में मिला ले, और अपने में मिला करके हमें क्या करे, इस माया के झंझावत से बचा सके, इस माया के झंझावत में कभी चैन और सुकून पूर्ण तरह से नहीं मिल सकते हैं। हमेशा यहाँ का नियम है परिवर्तनशील, कि परिवर्तन होते रहते हैं, कोई सुखी हुए हैं तो फिर वह दुखी होंगे, फिर कोई दुखी है तो वह सुखी होंगे, कभी धूप है तो कभी छाव होंगे, कभी गर्मी है तो कभी ठंडी ठंडक ठंडी पड़ेंगे।
तो इस तरह से संसार का नियम है और इस नियम पर स्थूल जीव कभी सुकून से पूर्ण तरह से हो नहीं सकते, चाहे उसकी साधन सुख का कितनों जमा कर ले, कितना भी जमा कर ले सुख का साधन, सदा सुखी हो नहीं सकते, या कितनों दुखी हो वह हमेशा दुखी रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का वह नियम इस प्रकार ईश्वर ने बनाए हैं। इसलिए क्या कहते हैं हमारा हरिंद्रानंद जी, कहते हैं उस एक चित निर्विकार होकर के उस निराकार में ही अपना दिल को लगाने के लिए कहते हैं, उस निराकार को पा करके ही हम लोगों का जीवन सार्थक हो सकते हैं, उसके ओर कदम बढ़ाने के लिए कहते हैं, उस परमेश्वर की ओर हम लोगों को कदम बढ़ाना चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। नहीं तो स्थूल रूप में बड़े बड़े अवतारी भी आकर के दुखी रहे, दुख को झेलना पड़े। भगवान शिव जिसे यदि साकार रूप में हम लोग जानेंगे, वह साकार रूप भगवान शिव भी देखिए अपना पत्नी को खो करके किस तरह पागलों के भांति लाश को लेकर घूमे हैं, वह भी हम लोग चरित्रार्थ शिव जी के चरित्रार्थ से सुनने को जानने को मिलते हैं। यदि राम जी के बारे में कहेंगे तो राम भी पत्नी के वियोग में किस तरह से वन वन भटके हैं, तड़पे हैं, ये भी हम लोगों को जानने को मिलते हैं। यदि कृष्ण के बारे में कहिएगा तो देखिए कृष्ण जन्म में देखिए कारागार में जन्म लिए हैं और अपने माँ बाप से विलग होकर के नन्हा बच्चा किस तरह से दूसरी जगह पले हैं, दूसरे के साथ, दूसरे के पास। तो यही है किस संसार का, यही ये है कि यहाँ जो भी आए बड़े बड़े अवतारी पुरुष आए हैं, वह भी इस सुख दुख के झमेले से बच नहीं पाए। ईसा मसीह के बारे में हम लोग सुने होंगे कि ईसा मसीह को किस तरह से सूली में टांग करके उसे जिंदा मार दिए, जीते जी उसको मार दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि सगुण रूप में सकुन नहीं तो आए चले निर्गुण निराकार की ओर। इसके लिए हम लोगों को क्या कहते हैं हरिंद्रानंद जी, वह कहते हैं कि तीन सूत्र कीजिए, शिव जैसे महान अध्यात्मिक गुरु को करके इस अध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके निर्गुण निराकार को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। आइए हम अपनी वाणी को इसे विराम देते हैं, आगे चलते इस मंच के। इसी तरह का वीडियो या ऑडियो जो भी आप तक आप लोगों तक पहुँच रहे हैं, उस ऐसे ऐसे वीडियो ऑडियो को सुनने के लिए देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आप लोग तक इसी तरह वीडियो को भेजते रहेंगे। इस संगीत कला हमारा चैनल का नाम है भक्ति संगीत कला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाम